सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाने को और मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ मुरमुरा के नमकीन की रेसिपी शेयर करूंगी। मुरमुरा का नमकीन खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसको हम बड़ी आसानी से बना भी सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नमकीन बनाते बनाते बताते जाऊंगी। कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देती हूँ और तेल को गर्म हो जाने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूंगी और इसमें ये 1/2 कप मूंगफली के दाने डाल दूंगी। इन मूंगफली के दानों को मीडियम और लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें लो फ्लेम पर। मूंगफली के दाने पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जैसे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मूंगफली के दाने निकालने के बाद उसी तेल में अब मैं ये हींग डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पिंच हींग लिया है, कड़ी पत्ता है लगभग आधी मुट्ठी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब इनको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूंगी जिससे कड़ी पत्ता अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। इसके बाद इसमें मैं ये मुरमुरा डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम मुरमुरा लिया है, कप से 2 कप है। इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मूंगफली के दाने फ्राई किए थे वो भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक है और 1/2 टीस्पून सफेद नमक। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको मैं पूरी तरह मिक्स कर लूंगी और 3-4 मिनट इसी तरह चलाते हुए इसको फ्राई करते रहूंगी जिससे जो मुरमुरे हैं ये पूरी तरह कुरकुरे हो जाएंगे। इनको पफ्ड राइस भी बोला जाता है, लाई भी इनको बोला जाता है। अगर कम तीखा पसंद है तो लाल मिर्च थोड़ा कम कर लें। लाल मिर्च को हमेशा मुरमुरे डालने के बाद ऊपर से डालें, अगर इसको पहले तेल में डाल देंगे तो लाल मिर्च जल जाएगी। देखिए एक मुरमुरा कितने अच्छे से टूट रहा है, कुरकुरा हो चुका है पूरी तरह से। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी। अगर इसको हम इसी तरह गर्म कढ़ाई में पड़े रहने देंगे तो जो मुरमुरे हैं वो नीचे से जल जाएंगे। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में चटपटा मुरमुरा नमकीन बनके तैयार है। बहुत टेस्टी नमकीन बनके तैयार हुआ है। अब भी हल्की फुल्की भूख में इस नमकीन को जरूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching my video.